गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश ऑनलाइन क्लासेस। द स्टूडेंट ऑफ क्लास थर्ड, टुडे आई विल टीच यू 10th चैप्टर ऑफ योर बुक। द नेम ऑफ द चैप्टर इज द लिटिल गोल्ड फिश। लेट्स स्टार्ट। सम टाइम अगो रहीम, कुछ समय पहले रहीम जो था ए पुअर फिशरमैन, जो है एक बहुत ही गरीब फिशरमैन था। फिशरमैन वो होता है जो फिश को कैच करता है ना रिवर में से, उसको फिशरमैन बोलते हैं। लिव्ड इन ए स्मॉल हट, वो एक छोटी सी हट में रहता था, झोपड़ी में रहता था, बाय द सी विद हिज वाइफ। बाय द सी मीन्स सी के पास विद हिज वाइफ, अपनी वाइफ के साथ। ही यूज़ टू डू फिशिंग टू अर्न हिज लाइवलीहुड, वो अपनी जीविका चलाने के लिए क्या करता था, फिशिंग करता था, यानी कि मछलियाँ पकड़ता था। एवरी डे हिज वाइफ वुड कमेंट डोंट कम होम एम्प्टी हैंडेड, क्योंकि उसकी वाइफ जो थी ना, अब आप देखेंगे आगे इस पोएम में, इस लेसन में, कि उसकी वाइफ जो थी बहुत ग्रीडी थी, है ना, बहुत लालची थी। तो वो रोज़ उसे कहती कि भाई घर आना तो पैसे लेके आना, खाली हाथ मत आना। वन डे, एक दिन, अ लिटिल गोल्ड फिश गॉट ट्रैप्ड इन हिज नेट, एक छोटी सी सोने की मछली, सोने की फिश जो थी, गोल्ड फिश, उसके नेट में आ गई। गोल्ड मीन्स गोल्ड कलर की फिश होगी या सोने की होगी, वो किस में आ गई, उसके जाल में फंस गई। ही वॉज सरप्राइज टू सी द फिश स्पीक टू हिम, वो बहुत सरप्राइज हुआ, उसने देखा, क्या देखा कि वो जो फिश है वो उसे देख रहे, बात कर रही है उससे। ओ नोबल एंड काइंड फिशरमैन, ओ नोबल एंड काइंड फिशरमैन, विनम्र और दयालु फिशरमैन, द फिश सैड, उस फिश ने कहा, स्पेयर माई लाइफ, मेरे जीवन को बख्श दो, इन रिटर्न, इसके बदले में आई विल ग्रांट यू ए विश, मैं तुम्हें एक, तुम्हारी एक इच्छा पूरी करूँगी। द फिशरमैन लेट द फिश गो, फिशरमैन ने उस फिश को जाने दिया। ही नैरेटेड हिज वाइफ व्हाट हैड हैपन, उसने अपने घर आके उसने अपनी पत्नी को बताया कि उसके साथ क्या घटित हुआ था। हिज वाइफ सेड यू फूल, उसकी पत्नी, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि उसकी पत्नी जो थी वो क्या थी, बहुत ही ग्रीडी थी, वो बोली यू फूल मूर्ख, व्हाई डिडंट यू आस्क फॉर समथिंग, तुमने कुछ मांगा क्यों नहीं उसे, गो बैक टू द बीच, जाओ बीच पर वापस जाओ, दिस इंस्टेंट, इसी पल वापस जाओ, एंड आस्क द फिश फॉर ए न्यू वॉश टब, उसे एक नया वॉश टब मांगो। रहीम वेंट बैक टू द सी शोर, रहीम जो है किनारे पर, समुद्री किनारे पर वापस जाता है, एंड कॉल द फिश, और फिश को बुलाता है। द फिश अपेयर्ड इमीडिएटली, फिश तुरंत आ जाती है, एंड द फिशरमैन टोल्ड हिम, और फिशरमैन उनसे कहता है व्हाट हिज वाइफ वांटेड, जो उसकी पत्नी ने कहा ना कि मुझे क्या चाहिए, वॉश टब चाहिए, तो वो उसको ला के दे देता है। ठीक है, अब फिर क्या होता है, द फिश इमीडिएटली ग्रांटेड हिम द विश, फिश जो है उसकी विश तुरंत पूरी कर देती है। व्हेन रहीम वेंट होम, जब रहीम घर जाता है, देयर वॉज ए न्यू वॉश टब इन द कॉटेज, उसकी कुटिया में एक नया वॉश टब होता है। ये देखो, ये वॉश टब है ना, देख, ये देखो फेस ही इसका ग्रीडी टाइप लग रहा है ना, कितनी गंदी सी लग रही है ये, कितना ये भोला सा सिंपल सा लग रहा है ना। बट हिज वाइफ वॉज नॉट सेटिस्फाइड, उसकी वाइफ जो है सेटिस्फाइड नहीं होती, बिकॉज मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दिया था, शी वॉज अ वेरी ग्रीडी टाइप लेडी। इफ दैट लिटिल फिश हैज सच पार, अगर उसमें कुछ पार है, इट शुड बी एबल टू गिव यू समथिंग मच बेटर देन ए न्यू वॉश टब, तो तुम्हें न्यू वॉश टब से अच्छा भी कुछ दे सकती है। श्री ग्रम्बल्ड, श्री ग्रम्बल मीन्स वो धीरे धीरे बड़बड़ाई, गो बैक एंड आस्क इट टू गिव यू ए न्यू हाउस, जाओ और उसे कहो मुझे नया घर दे। द फिशरमैन हरिड बैक टू द सी वंस अगेन, फिशरमैन ने जो है वो वापस गया और सी पर, और एक बार फिर वहाँ पर वापस गया जल्दी से। एंड नाउ द लिटिल फिश आस्क रहीम व्हाट डज योर वाइफ वॉन्ट नाउ, तब अब लिटिल फिश ने कहा अब तुम्हारी पत्नी ने क्या क्या चाहती है, आई डोंट लाइक टू आस्क, मुझे कहना अच्छा नहीं लगता, द फिशरमैन सैड, बट शी वुड लाइक ए बिग हाउस, उसे एक बड़ा घर चाहिए। यू विश इज़ ग्रांटेड, तुम्हारी, योर विश इज़ ग्रांटेड, तुम्हारी विश जो है उसे मैं तुम्हें तुम्हारी विश दूंगी, सैड द फिश ने कहा। बट दिट ऑल्सो डिड नॉट सेटिस्फाई द रहीम्स वाइफ आइदर, लेकिन अभी भी उसकी जो वाइफ थी इधर
वो क्या नहीं हुई, सेटिस्फाई नहीं हुई, वी मस्ट आस्क फॉर मोर, हमें और भी ज़्यादा मांगना चाहिए। शी शाउटेड, वो चिल्लाई, टेल द फिश आई वॉन्ट ए पैलेस, फिश से कहो कि मुझे एक महल चाहिए, ज्वेल्स ज्वेलरी चाहिए, एंड फाइन क्लॉथ्स और बहुत अच्छे कपड़े चाहिए। सो रहीम हरिड बैक टू द सी वंस मोर, रहीम जो है वापस उस पर आया, सी पर आया। द वाटर ऑफ द सी वॉज लुकिंग ग्रीन एंड द वेव्स वर रफ, पानी जो था वो ग्रीन हो चुका था समुद्र का, और जो लहरें आ रही थी वो बहुत ज़्यादा रफ आ रही थी। देखो ये जो रियलिटी, ये जो स्टोरीज होती है ना, मैं आपको पहले बता देती हूँ, ये जितनी भी स्टोरीज होती हैं क्वीन की, किंग की, और ये फिशरमैन की, और ये फिश की, ये रियल नहीं होती हैं, ये फेरी टेल्स होती हैं, जैसे परियों की कहानी होती है, मैजिक टेल्स होती हैं, ये रियल नहीं होती है। लेकिन ये हमें इसलिए बताई जाती हैं कि ये हमें क्या करती हैं, टीच करती हैं, हमें एक लेसन टीच करती हैं, हमें कोई पाठ पढ़ाती हैं, क्योंकि हमें सिखाती हैं कि हमें कभी भी क्या, जो भी उसमें होगा, कोई भी लेसन होगा उसमें हमें ये बताया जाएगा कि आपको कभी भी क्या नहीं करना चाहिए, गलत काम नहीं करने चाहिए, हमेशा अच्छा काम करना चाहिए। तो इन लेसन्स, ये लेसन्स का जो मोटो होता है वो यही होता है कि बच्चों को अच्छी अच्छी बातों को सिखाना। ओके, द फिश आस्क्ड हिम, अब देखो द फिश आस्क हिम व्हाट डज योर वाइफ वांट नाउ, फिश ने उसे पूछा अब तुम्हारी वाइफ को क्या चाहिए। रहीम सैड शी वुड लाइक ए कैसल, ज्वेल्स एंड नाइस क्लॉथ, उसे एक महल चाहिए, ज्वेलरी चाहिए और अच्छे कपड़े चाहिए। योर विश इज़ ग्रांटेड, शी फिश द फिश साइड, वो फिश ने आह भरते हुए कहा तुम्हारी, तुम्हें विश दी जाती है। व्हेन रहीम वेंट होम ही सा हिज वाइफ वाज इन फ्रंट ऑफ ए ब्यूटीफुल पैलेस, जब वो घर गया तो उसने देखा उसकी वाइफ एक बहुत सुंदर महल के आगे खड़ी थी, वियरिंग फाइन क्लॉथ, अच्छे कपड़े पहने हुए थे, एंड ज्वेल्स और बहुत अच्छी ज्वेलरी पहनी हुई थी। बट शी स्टिल वॉज नॉट सेट, लेकिन वो अभी भी सेटिस्फाई नहीं हुई। गो बैक एंड आस्क द फिश टू मेक मी ए क्वीन, जाओ और फिश को कहो कि मुझे रानी बना दे। शी शाउटेड, वो चिल्लाई, रहीम डिड नॉट वॉन्ट रहीम टू गो, रहीम नहीं जाना चाहता था, बट ही लव्ड हिज वाइफ, लेकिन वो अपनी वाइफ को प्यार करता था, सो ही डिड, इसलिए वो गया। दिस टाइम इस समय द सी वॉज डार्क एंड स्टॉमी, सी जो था समुद्र था बहुत डार्क हो गया था, डार्क कलर का हो गया था और तूफानी हो गया था, स्टॉमी हो गया था। वॉट डज योर वाइफ वॉन्ट नाउ, अब तुम्हारी पत्नी को क्या चाहिए, द फिश आज उस मछली ने पूछा। शी वुड लाइक टू बी ए क्वीन, उसे एक रानी बनना है। रहीम सैड मिजरेबली, रहीम ने बहुत दुखी होते हुए कहा। फिर उसके बाद गो होम, घर जाओ, सेड द फिश, फिश ने कहा। एंड व्हेन द फिशरमैन डिड द फिशरमैन ने ऐसा किया, द पैलेस हैड वैनिश एंड हिज लिटिल कॉटेज स्टूड वेयर इट वॉज हिज हेड, उसने क्या देखा कि महल गायब हो चुका है और उसकी जगह पे उसकी वो छोटी सी झोपड़ी ही है। आई शुड हैव बीन प्लीज विद वॉट आई हैड, मुझे उससे क्या होना चाहिए था, उस इससे संतुष्ट हो जाना चाहिए था जो मुझे मिली थी, इंस्टीड ऑफ ऑलवेज वॉन्टिंग मोर, हमेशा और ज़्यादा मांगने की बजाय। रिग्रेटेड हिज सॉरी वाइफ, ये पछतावा किया किसने, उसकी दुखी पत्नी ने। ठीक है, तो इस लेसन से हमें क्या सीखने को मिलता है कि हमें कभी भी ग्रीडी नहीं होना चाहिए, हमेशा जो हमें मिल जाता है उसमें सेटिस्फाई होना चाहिए। ठीक है बेटा, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए गुड डे, स्टे होम, स्टे सेफ।